सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हरिये से होंगे। इस वीडियो में व्यूज़ में आपको बताऊंगा कि साउथ अफ्रीकन कंट्री है एक, लैसे तो इसका ई वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर, तो आप ई वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं और कितने पैसों में आप इसका जो वीज़ा है वो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, और कितने दिन का होगा, कितने माह का होगा, और इसकी तमाम रिक्वायरमेंट क्या क्या इसके लिए ज़रूरत है इसके ई वीज़ा के लिए, तो ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। आप इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही यहाँ पर बेल का नोटिफिकेशन होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो व्यूज़। सबसे पहले लेसोथो की देखते हैं जियोग्राफी। ये देखें, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ अपने बॉर्डर जो कि शेयर करता है लेसोथो, तो ये है लेसोथो। इसका जो वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका, देख लीजिए, इसके जियोग्राफी लिहाज से देख लीजिए। साउथ अफ्रीका के साथ इसके ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका पासपोर्ट हो तो आप साउथ अफ्रीका में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। शुरू करते हैं व्यूज़। ये है विकिपीडिया के ऊपर लेसोथो की पासपोर्ट की रैंकिंग, जो कि 69 कंट्रियों में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। ऑल साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, उसके बाद सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, उसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आयरलैंड, उसके बाद अदर कंट्रीज़ में आप जो कि जा सकते हैं। तो यूरोप और अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आप नहीं जा सकते। अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा ख़रीदना पड़ेगा। व्यूज़ ये है विकिपीडिया के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट की वेबसाइट। तो है ई वीज़ा लेसोथो, ये देखें, ये है ई वीज़ा, ये देख लें, ई वीज़ा है। मलेशिया का भी ई वीज़ा है 30 दिन का, तो देख लें आप लेसोथो ई वीज़ा। तो देखते हैं कि ई वीज़ा किस तरह हम हासिल कर सकते हैं। तो व्यूज़ ये है लेसोथो की वेबसाइट। आपको 30 दिन के लिए मल्टीपल वीज़ा चाहिए तो वो 250 US डॉलर का है, और आपको सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए तो $150 का है। इसके लिए जनरल जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पासपोर्ट हो जो कि 6 मंथ के लिए वायलेट होना चाहिए, उसके बाद एक इनविटेशन लेटर है, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है और ट्रैवल इंश्योरेंस है और होटल बुकिंग है और आने जाने की टिकट है, रिटर्न टिकट है। तो ये कुछ जनरल इसकी है रिक्वायरमेंट। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो वीज़ा है, आपके पास ये सब सारी चीज़ें हैं तो आप किस तरह इसका जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अप्लाई ऑन पे क्लिक करना है, और ये भी अज़रबैजान के वीज़े की तरह है। अज़रबैजान का वीज़ा जिस तरह अप्लाई करते हैं आप जाके देख सकते हैं। मैंने जो अज़रबैजान के वीज़े के बारे में वीडियो बनाया वो भी आप देख सकते हैं जाके। तो 3 सिंपल स्टेप में जो है ना आप कर सकते हैं। ये देखें, 3 स्टेप हैं। पहले अप्लाई ऑनलाइन करना है, फिर मेक पेमेंट करनी है आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, सॉरी क्रेडिट कार्ड के थ्रू या वीज़ा कार्ड के थ्रू, और उसके बाद जो कि आपने वीज़ा कंफर्म करना है ईमेल के थ्रू। तो ये 3 स्टेप, 72 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है आपकी एप्लीकेशन का रिप्लाई आ जाएगा, यानी कि दो दिन के अंदर अंदर आपका जो है ना वीज़े का आ जाएगा रिप्लाई कि आपका वीज़ा रिजेक्ट है या आपका वीज़ा अप्रूव है। तो अप्लाई ऑन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो इस तरह का आपके पास जो कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन होने के बाद आपने दिखाना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस तरह का है, डिप्लोमेटिक होता है
और उसके बाद आपने कहाँ जाना है, ये तमाम कंट आपने बतानी है। और आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर और ये सब कुछ बताने के बाद आपने पेमेंट करनी है। आपका ईमेल एड्रेस बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट हैं, इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए जिस तरह अजरबैजान का जो आपने फॉर्म फिल किया था, इसी तरह ही ये फॉर्म फिल करना है बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान।